आप सभी को नमस्कार। मैं सप्रीत सिंह। मैं ज्योत कौर। मैं प्रिंस दीप सिंह जी। आप सभी का प्रिंस पंजाबी ट्रैवलर चैनल पर स्वागत करती हैं। तो आज हम आए हैं नेशनल रेल म्यूजियम को विजिट करने के लिए। आज हम इसे घूमेंगे, इसे एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या इसमें चीज़ें घूमने को हैं उन्हें देखेंगे। आइए चलिए हम इसे एक साथ घूमते हैं। हमारे साथ इस पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए इसे एक्सप्लोर। हेलो, हेलो। ये जहाँ जहाँ पर भी हमारी इंडियन रेलवे की पहुँच है वहाँ की जो पिक्चर्स हैं उन्हें लगाया हुआ है यहाँ पर। नेशनल रेल म्यूजियम के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन लोकल लैंडमार्क और मोतीबाग हैं। आप यहाँ पर उतरकर 40 से 50 रुपए में एक ऑटो हायर कर सकते हैं और नेशनल रेल म्यूजियम पहुँच सकते हैं। इस साइड बना हुआ है म्यूजियम जंक्शन। आइए इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। ये खड़ी है ट्रेन, इसका भी हम सफर करेंगे कुछ ही देर में। तब तक हम उस साइड को विजिट करके आते हैं। आइए चलते हैं, इस ट्रेन को देखते हैं और कुछ फोटोज क्लिक कर सकते हैं आप इसके साथ। एंड आइए हम भी करते हैं कुछ फोटो क्लिक। यहाँ पर कैफेटेरिया भी बना हुआ है जहाँ पर अगर आप कुछ खाना चाहें तो भी खा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रेल म्यूजियम में फना फिल्म की जो मूवी थी बहुत हिट हुई थी उसकी शूटिंग हुई थी इस जगह पर, इस प्लेस पर। जन शुरू हो चुका है, आइए अब टॉय ट्रेन का मजा लेते हैं। ट्रेन की स्टार्टिंग हो गई है, अभी हम हैं टॉय ट्रेन के अंदर और घूमते हैं इसके साथ पूरे रेल म्यूजियम को। मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली में विजिट किया है। आपने देखा होगा कि पहले हमने नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, प्रधानमंत्री संग्रहालय को एक्सप्लोर किया था जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और नॉलेज से भरपूर प्लेसेस थी। आप भी अपनी फैमिली, रिलेटिव और बच्चों के साथ एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। इस टॉय ट्रेन के सफर में हमें देखने के लिए मिलते हैं बहुत ही सुंदर से गार्डन्स, बहुत ही सुंदर रेलवे के मॉडल्स, बहुत ही बड़े बड़े छोटे ब्रिजेस और साथ ही इसमें अब हम एंटर करेंगे एक टनल में जिसमें एंटर होते ही एक अलग सी ही वाइब आती है। आप भी यहाँ पर जब भी आए तो इस टॉय ट्रेन, जिसे जॉय ट्रेन भी कहते हैं, इसका सफर जरूर कीजिए। पिछली वीडियो में हमने रेलवे म्यूजियम की इंडोर गैलरी को विजिट किया था, वहां पर
पुराने रेल म्यूजियम के इतिहास को जाना था, रेल्स के इतिहास को जाना था, कैसे IRCTC बनी उसका हमने पूरी इंफॉर्मेशन ली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम जॉय ट्रेन से विजिट कर रहे हैं, इसका सफर कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर से हमें दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीनतम रेलगाड़ी अभी भी चलते हुए हालत में है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यहाँ पर 140 साल पुराना इतिहास संभाल कर रखा गया है, तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए। और सारे जो भी IRCTC का इतिहास है, कैसे IRCTC बनी, टॉय ट्रेन का सफ़र, मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करिए। अपने दोस्तों के साथ आइए यहाँ पर, ताकि आपको भी अच्छे से जानकारी मिले हमारे रेल सिस्टम की, कैसे ये एस्टैब्लिश हुआ है ना, कैसे इसने प्रगति की। तो अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए, आपको ऊपर आई बटन पर उसका भी लिंक जो है मिल जाएगा। इस नेशनल रेल म्यूजियम को घूम लिया है, विजिट कर लिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ। आप अगर दिल्ली की और प्लेसेस को भी घूमना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड की हुई वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।